सीटीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की बैठक विकास भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान सीडीओ ने पशुपालन विभाग के कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया है कि बरसात के पहले पशुओं के लिए भूसा दान करवाया जाए, जिसमें लोग अपनी स्वेच्छा से भूसा दान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा अभी तक कुल 1600 क्विंटल भूसा इकट्ठा हुआ है, जिसको विभिन्न लोगों ने दान किया है, जिसके लिए पशुपालन विभाग को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कुसमी, पिपराई, झंघा, पीपीगंज, बांसगांव, बढ़लगंज में भूसा कम दान हुआ है, इसलिए पशुपालन विभाग के डॉक्टर लोगों से जाकर भूसा दान करने की अपील करें। उन्होंने पशुओं के हर ब्लॉक में बनने वाले गौशाला स्थल पर बात करते हुए कहा कि गौशाला का कार्य जल्दी पूरा किया जाए, नहीं तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप भूसे में कन्वर्ट करो, कितने क्विंटल भूसा होगा? 751 हो जाएगा, तो मतलब 1500 से ऊपर लेगा, 1600 से ऊपर लेगा, 1600 क्विंटल भूसा दान हो गया, ये हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सारे डॉक्टर्स जो आज जिन्होंने ये एक हफ्ते में ये अचीव किया है, मतलब आप सब लोग इसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है आपको। ये रिमार्केबल काम हुआ है, शायद आप लोगों ने इससे पहले एक बार कभी किया होगा, लेकिन मेरे 2 साल के यहाँ टेन्योर में ये फर्स्ट टाइम आप लोगों द्वारा किया गया है, और मैं आपको बधाई देता हूँ। 840 क्विंटल जो है भूसा आप लोगों ने फिजिकली इकट्ठा किया है, और 6,11,000 रुपये जो है आप लोगों ने दान भी दिए, तो इसका भी जो है तकरीबन 800 क्विंटल के करीब ही भूसा बनता है, तो 1600 क्विंटल भूसा आप लोगों ने अभी तक जमा कर दिया है टोटल। ये कंग्रेचुलेशन टू ऑल, और मैं आपका थैंक्स कहूँगा कि आपकी मेहनत करने के लिए, लेकिन इसमें भी कुछ जो अभी और एफर्ट लगाने बाकी है। जैसे देखिए कन्नों में बहुत कम दान मिला है, कुछ भी पिपराइज जगह इसमें जो है नाम मात्र का है, थाउजेंड्स में है, और इसी तरह अगर आप देखोगे पीपीगंज में बहुत कम है, जबकि यहाँ सबसे हाईएस्ट एक्सपेक्टेड है, भूसा भी कम है और दान भी कम है। और इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि कोठा में भी दान भी कम है, भूसा भी कम है, और ऐसे बांसगांव में ज्यादा होना चाहिए, वहाँ भूसा ज्यादा मिला, लेकिन हमें और भूसा चाहिए। बड़लगंज में क्यों नहीं कर रहे हैं? उसी गांव में जाइए, बात करिए सबसे, इसको बढ़ाइए, इसको बड़बनिया में भी दोनों चीजें बहुत कम है, बड़बनिया में भी। फिर शनिवार को जब हम मिले स्पीकर को, सब लोग डबल कर लेंगे और अपने जो एफर्ट्स है जारी रखेंगे। जब 15 जून तक हमें टारगेट दिया गया है, तब तक हमें जो पूरा टारगेट अचीव करना है। ये जो दान का है ये भी सारा गौशाला में लगेगा, आपकी गौशाला स्ट्रेंथन होगी, आप अच्छी सेवा गौ सेवा कर पाएंगे, ये क्लियर हो जाए कि ये एफर्ट कंटिन्यू है। सेकेंड जो बिंदु था आज की समीक्षा का, इसमें प्रोग्रेस दिखी है, लेकिन अभी भी ये प्रोग्रेस कंपेरेटिव टू अदर जिले से या किसी और जिलों से कंपेयर करोगे तो हम लोग पीछे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि इसमें आप लगातार एफर्ट करिए, और अपने वीडियो से बात बैठिए, प्रधान जी लोगों के साथ मीटिंग करिए, बीडीसी मेंबर्स को कॉल करिए, डेटाबेस ले लीजिए, जहाँ डेटाबेस नहीं है हमसे ले लीजिए, डीपीआर साहब से ले लीजिए, हर बंदे को रिक्वेस्ट करिए, आपका एक बंदा या आप खुद स्वयं कॉल करके संपर्क बना के रिक्वेस्ट करते रहेंगे, ये क्लियर हो जाए सबको। अब जहाँ जहाँ गौशाला बननी थी, गढ़ा में गौशाला बननी थी, क्या हुआ गढ़ा का, क्या प्रोग्रेस है बनाई सर? वहाँ पे अभी डीपीआर बन रहा है, बन के संभाल पा जाएगा। उसमें क्या डीपीआर बना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें सर? वो जो इंजीनियर थे वहाँ पे, वो अभी वो नहीं किया था, बनाया नहीं, तो एस्टिमेट नहीं बना रहे, लेट कर रहे, तो आप मेरी बात कराइए ना। मेरे सर कल बात हुई थी, कल बना के दे देंगे, उनको बता दीजिए, हम लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे, उसमें कार्रवाई हो जाएगी। जो अगर एक दिन में बनना तो एक दिन में बनना है, 24 घंटे ही टाइम लाइन है, उससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये कैंपियर गौशाला बनी थी,
सर वो आज ही में वीडियो कॉल से मिला था शाम में, आज उनके साथ बैठक भी है तो वो आपको कर देंगे ठीक है, अभी बता देंगे ना, ठीक है उसमें आप बता देंगे, ठीक है चलो अच्छा सर। और एक पिपराइज में था, पिपराइज में वाली एक गौशाला था, हाँ वो भी मिली अच्छा आप गए थे अच्छा रास्ता पिछले एक हफ्ते में इतना काम हुआ, आप रिव्यू के लिए मेरे पास आ रहे हो, मेरी ड्यूटी है रिव्यू कर रहा, रिव्यू में जब कर रहा हूँ तो आप अपने डेटा के साथ अपनी फोटोज के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे?